तपस्या जैसे उपवास आंबिल एकासना निवी करने से लाभ आत्मा को मिलता है या शरीर को? करने वाले को मिलता है, आत्मा को भी नहीं मिलता है, शरीर को भी नहीं मिलता है, अहंकार को मिलता है। अहंकार को मनोबल बढ़ता है कि नहीं अभी मैं थोड़ा कर सकता हूँ तपश्चर्या। और दूसरा फायदा ये मिलता है कि तपश्चर्या के टाइम वो भगवान का नाम लेगा, कुछ माला फिराएगा, कुछ सत्शास्त्र सत्संग करेगा, उपदेश सुनेगा, वो फायदा मिलता है उसको। धर्म ध्यान का फायदा मिल सकता है, वो धर्म ध्यान में रहा तो। धर्म ध्यान का फायदा शरीर को मिलता है? नहीं, शरीर को नहीं मिलेगा। शरीर थोड़ा कचरा जलेगा, खाना नहीं खाया तो निरोगी होगा। और आत्मा तो मूल आत्मा को कुछ फायदा नहीं है, वो तो वितराग है, वो खाता ही नहीं, तो उसको क्या नहीं खाने से फायदा। अहंकार जो है, अहंकार है, उसको सब फायदा मिलता है, क्योंकि खाने में राग द्वेष करता है, मोह से खाता है, तो ये तपस्या करने से थोड़ा मोह कम होएगा। तप किया उसने, तप का पुण्य मिलेगा, वो फायदा अहंकार को मिलता है। मतलब सर, कुछ तो फायदा आत्मा को ही मिलता होगा ना? आत्मा को मिलेगा नहीं है। देखो फायदा मिलता है, जो शरीर में जो टॉक्सिन्स है जल जाते हैं, मेडिकल का जो हिसाब है वो तो बराबर है, लेकिन ये मास्टरमाइंड अमिल पे अमिल किए जा रहे हैं, तो उनको शरीर के लिए थोड़े कर रहे हो, तो अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं, अपना भाव सुधारने के लिए कर रहे हैं। हाँ, मगर भगवान ने कहा था तू कषाय रहित हो जा, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ से मुक्त हो जा। वो तो बराबर है, कषाय मुक्त होना। ये जो कषाय है, तो आत्मा को कषाय से मुक्त हुआ तो आत्मा का फायदा, मोक्ष मिलेगा। बाकी ये तपस्या त्याग से पुण्य बनेगा, और पुण्य का फल वापस संसार में आएगा। धन्यवाद सर। क्योंकि मैंने किया कर्ता भाव है उसको, मैंने त्याग किया, मैंने तपस्या की। और हाँ, धर्म ध्यान में रहेगा हमेशा। क्या है भाई, क्यों उपवास करता है? अपना तपस्वी का जय जयकार, तो मान के खाने में गया, मान खाने के लिए हो गया, तो फिर आर्थ ध्यान और रुद्र ध्यान में चले जाएगा, मोक्ष का फायदा भी नहीं और धर्म का भी फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, तपस्या किया किसी को भी मालूम नहीं, समता भाव में तप किया और धर्म ध्यान किया, तो फिर पुण्य का मिलेगा फायदा। और कषाय रहित हुआ तो आत्मज्ञान और मोक्ष का फायदा मिलेगा।